वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे काली त्वचा से किस प्रकार छुटकारा पाएं, कैसे अपने रंग को गोरा करें, जो कोई हमारे फेस पर, हाथों पर, कहीं भी कोई दाग धब्बा है उसको किस प्रकार हटाएं। आज ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए हम बताने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को शुरू से देखें ताकि आपको सब अच्छे समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी त्वचा का रंग भी गोरा हो जाए और आपको ये नुस्खा भी अच्छे से समझ आ जाए। अगर यह नुस्खा बताने से पहले मैं दर्शकों से ये कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इस नुस्खे को आपने कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपने लेनी है एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपको प्योर मिल जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्योर मिलने में कठिनाई है तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। ये बहुत चिकनाई होती है इसके अंदर, ये हाथ में फिसलती रहती है, थोड़ी आपको कठिनाई होगी निकालने में। चम्मच की सहायता से ही आप निकालना, अगर आप चक्कू का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके हाथ पे लगने का डर बना रहेगा। एक चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है और इसके अंदर आपने एक चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। थोड़ा सा इनो, और थोड़ी सी पेस्ट। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। आपने इतनी मात्रा में मिश्रण तैयार करना है जितना कि आप एक बार में इस्तेमाल कर लें, बाकी बचा हुआ मिश्रण आपके काम नहीं आएगा। उतना ही तैयार करें जितना आपने इस्तेमाल में लाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसको अपने फिंगर की सहायता से अपने फेस पर लगाएंगे, अपने हाथों पर लगा लें, जहाँ कहीं भी आप रंग गोरा करना चाहते हैं अपना, आप उस भाग पर अच्छे से लगा लें। लगाने से पहले अपने इस भाग को अच्छे से पानी से साफ कर लें,
अगर आप स्टीम बाथ दे सकते हैं तो स्टीम बाथ दे लें, जिससे कि रोम छिद्र अच्छे से खुल जाते हैं और ये नुस्खा बहुत ही अच्छे से अपना असर करता है। इस प्रकार उंगलियां डिप करके अपने फेस पर इस प्रकार से कर्व करेंगे। आपने कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इस प्रकार पूरे फेस पर कर्व करना है। फेस पर लगाएं, हाथों पर लगाएं, बाजू पर लगाएं, कहीं भी आप इसका नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी लगाएं आप उस भाग पर 10 से 15 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करेंगे। ये जो कोकोनट ऑयल है ये दाग धब्बे बिल्कुल साफ करने में आपकी मदद करता है और पेस्ट सारी गंदगी बाहर निकालेगी आपके अंदर से, जितनी भी आपके स्किन पर गंदगी जमा हुई है सारी गंदगी को बाहर निकालेगी। और एलोवेरा जेल आपके चेहरे में निखार लाएगी, ये निखार लाने में बहुत ही कारगर होती है। इसमें हर प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। क्या दोस्तों, इस प्रकार अच्छे से स्क्रब करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक का समय दोबारा से देंगे आप अच्छे से सूखने के लिए। जब अच्छे से सूख जाए तो सूखने के बाद आप ठंडे पानी से अपना चेहरा, अपने हाथ पैर, जहाँ कहीं भी आपने इस मिश्रण को लगाया है अच्छे से धो लेंगे। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब आपको ठीक से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।